सब्सक्राइब करें नेम यूट्यूब चैनल को और पाएं लेटेस्ट वीडियो, और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप में आप तक रिसीव हो जाए। हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में MGT101 असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन देखते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट का पहली असाइनमेंट आई हुई है और इसका सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक टेबल गिवन है, ये हमें दी हुई है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एबीसी बिजनेस ऑन 30 जून 2019। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन ऑफ एबीसी बिजनेस यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ, यहाँ पे बेसिकली ये टेबल दिए हुए और हमें रिक्वायर्ड किया हुआ है कि आपने इंटेंजिबल एसेट इसमें से निकाल के उसको कैलकुलेट करना है। इक्विटी, टोटल इनकम, सेलिंग एक्सपेंस एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये हमने बेसिकली कैलकुलेट करना है, इस टेबल में से निकाल के इनको कैलकुलेट करना है। तो इनटेंजिबल एसेट्स सबसे पहले हम निकालते हैं, तो हमारे पास इनटेंजिबल एसेट्स आते हैं कॉपीराइट्स 2,50,000 और पेटेंट राइट आगे 1,50,000 ही आगे, और इसको टोटल किए तो हमारे पास 4,50,000 मतलब 4,50,000 आगे, 4,50,000 रुपीज़ हमारे पास यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट्स आगे। एंड देन हमारे पास सेकंड रिक्वायरमेंट इस तरह से इक्विटी फाइंड करनी है, तो इक्विटी के लिए भी यहाँ से बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, टोटल लाइबिलिटीज़ उठाई हुई हैं और टोटल एसेट्स आए हैं जो इक्विटी होती है, ठीक है। और इक्विटी द डिफरेंस बिटवीन टोटल लाइबिलिटी एंड टोटल एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें से इसको माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे 12,10,000 रुपये आ जाते हैं। एंड देन थर्ड रिक्वायरमेंट है टोटल इनकम हमने यहाँ पर निकालनी है, तो टोटल इनकम के लिए हमने यहाँ पर क्या करना होगा, सेल्स लिखनी होगी, जो हमारे पास सेल्स ही हैं और सर्विसेज हमें दी हुई हैं, तो इनको आपने टोटल करना होगा। इस तरह से हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी और ये सारी चीज़ें यहाँ टेबल से ली हुई हैं, ठीक है। टेबल्स में जो जो चीज़ें मतलब टोटल, अब हमारे पास टोटल इनकम एंड रेवेन्यू कौन से होते हैं, तो वो हमने उठाए हुए हैं। सेलिंग एक्सपेंस उठाए हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस थे 65,000, कैरेज थे 1,60,000, तो इनको सम किया तो हमारे पास ये अमाउंट आई। उसके बाद कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई हमारे पास, उसमें परचेजेज आ जाती हैं और कैरेज आ जाते हैं, तो इनको प्लस की तो हमारे पास यहाँ पे 6,00,000 इसका टोटल आया। तो इस तरह से ही हमें 5 रिक्वायरमेंट दी हुई थी और हमने ये फाइंड करनी थी, जस्ट ये सिंपल सी असाइनमेंट थी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट असाइनमेंट्स में। ओके, थैंक्स, बाय।